नमस्ते किसान। आज हम यूपी बलिया और गाजीपुर के बीच में जो किसान ने अपना बिक्की का पौधा लगाया है, देखते समझते हैं। राम राम भैया। राम राम। राम राम भैया, अपना थोड़ा परिचय दो, हम कहाँ पर है। हमारा नाम शुभम कुमार राय है, हम तमलपुरा जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और बी किसान के 2000 पौधे लगाए हैं जी। कब लगाए थे पौधे? प्लांटेशन 10 अगस्त का लगाया है, आप देख सकते हो। ये चालू है करंट? नहीं नहीं चालू, okay. चालू नहीं। ये ज्यादा पौधे थे तो यहाँ लगा दिए? नहीं नहीं, एक आप जगह लगाए हैं जो मरा। अच्छा, दो तीन पौधे मरे। 10 अगस्त का पौधा है। ये ग्राफ क्या रखा है? 5x6 पर है। अच्छा, बहुत अच्छी है। देखो गैपिंग, इससे देखा जाए तो गैपिंग भी कंप्लीट है पौधे की। हाँ। खाद एक ही बार दिया गया है। अच्छा, खाद आपने एक ही बार दी है, क्यों ऐसा किया? फिर खाद नहीं दे तो शेड्यूल उसको क्या है? शुरुआत के 2 महीने बहुत ही हमें उसको लाड प्यार करना है, और इसके बाद 3 महीने मतलब 5 महीने अच्छे से हमने केयर की, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। और जैसे साथ में खेती होती है उसमें ये भी थोड़ा दिक्कत हो। अच्छा, बीच में खेती है। अच्छा अच्छा, मतलब एकलौती फसल केला ही नहीं है। केला पहली बार ली, उसके ऊपर आ गई थी। मिट्टी का स्प्रे भी नहीं करते? करते हो? नहीं नहीं, मिट्टी का। तो आप जो भी सब्जी वो लगा दे उसमें भी मिट्टी का स्प्रे का यूज करो। आप केमिकल डालते हो ना, तो खर्चा घटाओ ना। और जो हमारे भाई बंधु जो खा रहे हैं, मतलब भारत देशवासी जो खा रहे हैं, उसको भी अच्छा खिलाओ ना। अपना खर्चा भी तो कम होता है ना, और उत्पादन तो इससे अच्छा आता है। तो मिट्टी का स्प्रे उसमें भी यूज करो। केला ऐसे देखा जाए तो सिमिलर एकदम अच्छे ग्रोथ में ही चल रहा है जी। एक समान प्लॉट चल रहा है। समान प्लॉट चल रहा है। ये हो गया 80 दिन का पौधा। 80 दिन का हो गया। ऐसे अभी उसमें आप वो ऐसे ही पूरा पानी फैला के दोगे या नहीं, पाली बनाओगे बाद में? पाली बनाएंगे इस बार, जुताई कर कर। अच्छा, बाद में हम आप ऐसे ही बनाते हो, बाद में जुताई करते हो, बाद में अभी उसमें पाली बनाओगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें अगर हम पहले से भी पाली करें तो भी अच्छा रहता। अच्छा। है पहले से अगर पाली करके पौधा लगाते हैं बहुत अच्छा पौधा ग्रोथ करता है। पाली पे लगे होते पौधे अभी क्या होगा उसमें? अभी क्या होगा, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या होगा, उसने जो रूट फैलाई है हम उसमें खेड़खाड़ करेंगे। पाली को बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए ना, तो उसमें खेड़खाड़ करेंगे, उसकी रूट टूटेगी। बीज से लेंगे आप कहाँ से भी लो, लेकिन उसकी रूट तो टूटने वाली है ना। तो रूट टूटता है तो वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है तो थोड़े दिन के लिए वो रुकता है, फिर उसमें गिरपट ने वो ज्यादा आती है। तो पहले से हमें पाली पर लगाना चाहिए। इसे देखा जाए तो गैपिंग करके ही पौधा कम्प्लीटली चल रहा है, हर पौधा। अच्छा, यहाँ बारिश हुई नहीं थी शुरुआत में? शुरुआत में लगाने के बाद जब लगा तो उस दिन हुआ, उसके बाद एक महीने तक। एक महीने तक तो फिर सूखा ही रखा, ऐसे ही रखा था? हमने पानी नहीं दिया कुएं का? पानी जब देने वाले थे तभी तूफान आया, तो उसमें उस टाइम थोड़ी बारिश हो गई, मतलब बारिश के पर ही अपने बड़ा किया है। अभी पहला पानी 2-4 दिन। कुछ रासायनिक स्प्रे किया हुआ है खरपतवार नियंत्रण के लिए? इधर अभी कर रहे हैं, कर कर जुताई कर। नहीं ये ना करो आप, ये गाट लगा कर रखो। ये कहीं ना कहीं नुकसान, कुछ ना कहीं ना कहीं हमारे पौधे पे डैमेज करता जाएगा। एक देखो, ये जब भी हम करते हैं ना तो ये थोड़ा सा, हाँ, उसका क्लोरोफिल जो छूटा है, इल लग रही है, इल, ये। मतलब ये घास मारने की दवाई, आपको ऐसा लगता है कि अभी अभी उससे तो हल्की सी उसमें रोटा चला दो तो अपने आप वो खाद भी बन जाएगी, और अपने जो मिट्टी लेनी है वो भी काम हो जाएगी। लेकिन हल्का सा ऊपर ऊपर लगाना है, 1-1 इंच, ज़्यादा गहरा नहीं लेना है। ऐसे हम अभी कर सकते हैं। ग्रोथ ऐसे देखी जाए तो एकदम बहुत ही अच्छी है, उसका तना मोटाई कंप्लीट लेके ही पौधा चल रहा है, शुरुआत से बेहतर चल रहा है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा अभी पौधे को देखो तो थोड़ी मौसम में चेंजेस है, तो थोड़ा अनइवन होता है ये, ऐसे ऐसे जो टेढ़ा लेके चल रहा है तो समझना नीचे से भोजन उसको कम मिल रहा है। ऐसे सीधे स्ट्रांग चलना चाहिए, जो पुंगा है एकदम सीधा, ये जो हाँ ये जो है वैसे निकलना चाहिए। ये जो पुंगा चल रहा है ऐसे समझना, उसमें थोड़ी कुछ ना कुछ में अटकाव है।
हाँ, नीचे से न्यूट्रिशन उसको कुछ ना कुछ कमी पेशी है। अभी उसको पानी की ज़्यादा तान मत देना, और हल्के से आपको जो करनी है वो उसको नाली पाली बनाई दो, है ना। और बोलिए कुछ वो उसमें पौधे में अगर कोई आपके नज़र में कोई तकलीफ हो तो हमें कुछ इससे बताओ तो हम उसको सुझाव दें। हाँ जी, कुछ पत्ते में जैसे पीलापन दिख रहा है, वो पीलापन तो क्या है, जब पानी की तान होती है और ऊपर से सूर्य देव ने ताप गिराई तो जिस तरफ ताप है उस तरफ थोड़े हल्का सा पीलापन आएगा। और यहाँ आपने कुछ खेड़खाड़ करो वो जो भी करो तो पानी की तान आती है और ऊपर से तो धूप गिरती है तो उस तरफ थोड़ा हल्का सा पीलापन आता है। बाकी तो वाला एवरेज देखा जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, आपकी मेहनत भी है। लेकिन अगली बार जब भी पौधा रहो तो पहले से ही पाली करो, पाली तो ऐसे में करनी है तो बाद में नहीं करनी, रूट नहीं टूटेगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। धन्यवाद अजय भाई, कुछ आप बोलना चाहते हो उसमें? बस यही करना है इनको, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा जी, ये इसमें जो रसायन का प्रयोग कर रहे हैं खरपतवार नियंत्रण, वो तो नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना उसमें है। क्या होगा, अब कितना भी संभाल लो उसको, ये रसायन का जो मतलब घास मारने की जो दवा की है ना, उसको कुछ ना कुछ तो हमारा उसके ऊपर इफेक्ट करके जाएगा। अगर हल्की सी भी उसके ऊपर उड़ी, ज़्यादा उड़ी तो वो पौधा भी जाएगा, अगर हल्की सी गई तो पौधा कम से कम 15 दिन तो रुकता ही है, फिर हम उसको चलाने के लिए फिर अलग से खाद देनी पड़ेगी, वो हमें ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं करना है, अगर ऐसी घास है तो हल्की सी रोटा वोटर चलाओ या अपने पास ब्रश कटर होता है ब्रश कटर से काट दो, कुछ ऐसा इंजाम करो तो हमारा मतलब ये जो जमीन में जो बैक्टीरियल कॉर्नर भी उसमें हम डालेंगे तो भी डिस्टर्ब होगी दवा ये ना। हाँ, और जहर है ना, वो नहीं काम करना। ये आपने पहली बार प्लांट लगाए हुए हैं? इसमें हम लोग जैसे गए एक साल का, इससे पहले 1000 लगाए थे, मतलब एक दोबारा लगाए, एक साल पहले, एक साल पहले लगाए, दो साल उसको जैसे काटने के बाद एक साल गायब हो गया, मतलब दोबारा उसको काटा था रटून रख के, काटे थे रटून रख कर फिर एक साल गायब के बाद इसे लगाए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं, आपकी मिट्टी और पानी जो देखा जाए तो बहुत अच्छी है, केले के लिए बहुत सपोर्ट। जो रेटून लिया हुआ था इसके पहले तो उसका ग्राफ क्या रखा था? उस बार हमारा ग्राफ 5.5x5.5 था, तो अच्छा, ये थोड़ा बड़ा अच्छा आया होगा। दूसरा जो आया उसका वजन बराबर आया था, उसमें कुछ कम बराबर आया था, जैसे कुछ हिस्से में जैसे रोग टाइप का होगा, बीटल लगा होगा, वो बीटल लगा था तो, और जैसे गुच्छा वाला कुछ रोग हो गया था एक दो, गुच्छा यानी कि बंचिंग हो गया था, मतलब पत्ते पास पास में खुले थे रटून को, रटून में। हाँ जी, ये उसमें पूरा खेत में नहीं एक साइड में हो गया, जहाँ पानी का भराव ज्यादा हो वही ये तकलीफ ज्यादा आएगी, ठीक है। उसमें अच्छे से फिर क्या है, पाली है ना, पाली उसके ऊपर ऐसे कचरे अगर फिर दोबारा आए तो वो निकाल के पाली पर ही, पहले पौधे के आसपास डालना है फिर पाली पर डालना है, और पानी ऐसे अच्छे से ओडी बन देते रहो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। और कोई सुझाव हो तो बोलिए। अरे भैया अजय भाई, और कोई सुझाव हो तो बोलिए उनको। बस यही अच्छा ही है, ठीक ही चल रहा है। BFS जो अपने पास आया उस शेड्यूल के हिसाब से चलाओ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। थैंक यू भारत। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राम राम।